कहते हैं राजनीति में लिया गया एक फैसला किसी एक मकसद से नहीं लिया जाता है। राजनीति में एक तीर से कई निशाने साधे जाते हैं। बीजेपी की राजनीति पिछले कुछ सालों में ऐसी ही रही है। हाल ही में चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को झारखंड विधानसभा चुनाव से जोड़कर लगातार देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी चंपई सोरेन के बहाने सिर्फ झारखंड की राजनीति नहीं बल्कि देश की एक बड़ी आबादी की राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है। सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि आखिर कैसे चंपई सोरेन बीजेपी के लिए इतने अहम हो गए। एक बात जो सबको मालूम है वो ये है कि चंपई सोरेन झारखंड के एक बड़े आदिवासी नेता है। बीजेपी इसी बहाने आदिवासी समाज को यह संदेश भी देना चाह रही है कि वो आदिवासियों के साथ है और उनके नेताओं का सम्मान करना जानती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चंपई सोरेन तब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं जब झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी खुद झारखंड के प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने दी है। सीएम बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसका ऐलान किया। 30 अगस्त को चंपई सोरेन रांची में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का हिस्सा चंपई सोरेन ने अभी तक झामुमो और सरकार दोनों से इस्तीफा नहीं दिया है। 2 फरवरी से 3 जुलाई के बीच 5 महीने तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे चंपई ने 20 अगस्त को अपनी पार्टी और नेतृत्व से नाराजगी जाहिर की थी। सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पीड़ा और अपमान की बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि बिना किसी पूर्व सूचना के सीएम पद से मुझे हटा दिया गया, उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को बिना बताए रद्द कर दिया गया। 6 बार के विधायक चंपई सोरेन 1991 से सरायकेला से जीतते आ रहे हैं। 1995 में वो पहली बार निर्दलीय के तौर पर विधायक बने। झारखंड में आदिवासी नेता की बात करें तो उनकी अच्छी पकड़ है और सीएम बनने के लिए आदिवासियों के बीच उनकी लोकप्रियता भी काफी बड़ी है। बीजेपी सरकार ने चंपई सोरेन की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन अब जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलता जरूर दिख रहा है, लेकिन बीजेपी उनका इस्तेमाल पूरे देश में करने का प्लान बना रही है। किसान के बेटे चंपई सोरेन की छवि भी काफी साफ मानी जाती है। वहीं सोरेन परिवार पर पूर्व में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगता रहा है। खुद हेमंत सोरेन अभी जमानत से बाहर आए हैं। ऐसे में बीजेपी सोरेन को एक उदाहरण की तरह पेश कर सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बनने से पहले चंपई सोरेन 2 बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं, मतलब ये कि उनका अपना एक जनाधार भी है, ये बात क्लियर है। चंपई सोरेन को झारखंड टाइगर कहा जाता है। झारखंड राज्य के लिए उनके संघर्ष से उन्हें ये उपनाम मिला है। जानकार बताते हैं कि चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से पार्टी कोल्हान क्षेत्र में मजबूत होगी। कोल्हान क्षेत्र झामुमो का एक गढ़ माना जाता है। हेमंत सोरेन के खिलाफ चंपई सोरेन भाजपा के स्टार प्रचारक की भूमिका में भी नजर आएंगे। चुनाव से कुछ समय पहले ही उन्होंने सीएम पद छोड़ा है। ऐसे में हेमंत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चंपई सोरेन तीखा हमला बोल सकते हैं। इन सब के बीच में एक बात और है, चंपई सोरेन संताली आदिवासी है। सोरेन परिवार की ताकत यही आदिवासी समूह है। चाहे वो संताल का इलाका हो या कोल्हान का, संताली आदिवासियों का वोट ही झामुमो की ताकत शुरू से रहा है। चंपई के जरिए बीजेपी इसमें सेंधमारी का प्लान भी बना रही है। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा। विधानसभा चुनाव आने में अभी वक्त है, लेकिन काफी पहले से ही उसके माहौल सेट हो चुका है। बहरहाल इस वीडियो पर, इस मुद्दे पर, बीजेपी की इस प्लानिंग पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।